Hello and welcome to the India's largest learning platform Unacademy. My name is Priyanshu Dubey. Let's crack UP exams के अंतर्गत हम लोग modern India, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ चुके थे. Advent of European companies, भारत में European companies का आगमन. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध. उसके बाद देखा हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ बुलेनिज्म मतलब धातुवाद का सिद्धांत. फिर देखा भू राजस्व व्यवस्था मतलब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, उसमें हमने डायग्राम देखा था बहुत अच्छा. उसके बाद हम लोगों ने देखा 1857 का रिवॉल्ट, भूमिका बनाते हुए चले आ रहे थे, 1857 के विद्रोह तक हम लोग पहुंच चुके हैं. और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वह फेज, वह दौर, जिनमें हम लोग देखेंगे नरमवादी दौर, गरमवादी दौर और गांधीवादी दौर. चलिए शुरुआत करते हैं. मेरा नाम मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने किराड़ी सुल्तानपुर से बीटेक किया हुआ है और पिछले 5 से 6 सालों से मैं बच्चों को कंटिन्यूअसली प्री ओरिएंटेड, किस प्रकार से प्री बहुत आसानी से निकाला जाए यह बता रहा हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा सफल भी हो रहे हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जिनमें आप सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक एजुकेटर के साथ डाउट्स शेयर कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको लाइव क्विजेस मिलती हैं, टेस्ट मिलते हैं, डेली मंथली वीकली सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. इनसे आपको फ़ायदा क्या होगा, इनसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को आंक पाएंगे कि आप कितनी ज़्यादा गहराई में हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं. यहाँ पर डाउट हो तो वापस अपने एजुकेटर से जाके आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं कि सर मुझको समस्या हो रही है, इसका आंसर बता दीजिए लाइव क्लासेस के दौरान. स्ट्रक्चर्ड कोर्स है मतलब एक डिफाइंड पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस में आपके हिंदी पढ़ाई इंग्लिश जा रही है. इसके साथ आप अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार चाहे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 50 बार, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया गया, कोई भी रोक नहीं लगाई गई है. ठीक है, किस प्रकार से रजिस्टर करें देख लीजिए आप लोग. अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करने के लिए, अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च करिए अनएकेडमी लर्निंग ऐप. यह एप्लीकेशन जब आपको मिल जाए तो इंस्टॉल पर प्रेस करिए, इंस्टॉल पर टिक क्लिक मारिए तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा इस ऐप का. उस पर जाकर आप अपने मन चाहे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम की, तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यूपी के अंदर होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगी. सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत ही मिनिमम रखे गए हैं ताकि हर एक बच्चे तक अनएकेडमी पहुंच पाए. तो देखिए सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, कोशिश करिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तम प्रदेश में रहते हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाले एग्जाम्स का जो मिनिमम समय है वो है 1 साल. चाहे वो UPPCS लोअर करा रहा हो, चाहे वो अपर करा रहा हो, 1 साल का समय कम से कम लगता, ज़्यादा ही लगता है, उससे ऊपर ही लगता है. ठीक है, तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फीस लगेगी 8,400. घर बैठे, घर पे बैठ के आप ये बस इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करिए, वीडियो देखिए, सारी जानकारी लीजिए, एक से एक बेहतरीन एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अकेडमी पर. और अगर आप ये 8,400 रुपये 2 साल का सब्सक्रिप्शन में देते हैं तो अगर आप लेकिन अगर आप मेरा कोड PDUS का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा और आपको फीस लगेगी 7,560 ऑनली. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, 5,600 रुपये बचा लें, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, फीस लगेगी 7,000 रुपये. फिर मेरा कोड अगर PDUS का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फीस लगेगी 6,300 ओनली. घर बैठे तैयारी करिए, मम्मी के यहाँ से मस्त खाना खाइए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, PG में नहीं रहना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, घर पर रहना पड़ेगा, अच्छी हेल्थ बनाइए आराम से. देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉडरेट फेज के बारे में. मॉडरेट फेज का मतलब हम लोग पढ़ेंगे आज, मॉडरेट फेज का मतलब नरमवादी दौर में क्या क्या बातें हुई. कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ गई होगी, सर आपने 1857 रिवॉल्ट के बाद धार्मिक समाज आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन के बारे में बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी, पीजेंट मूवमेंट के बारे में चर्चा की. चर्चा करेंगे, अलग से इनको टैकल करेंगे, अलग से समाज सुधार आंदोलन और अलग से देखेंगे हम लोग पीजेंट मूवमेंट, जो महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलन है, और जो पीजेंट मूवमेंट है, किसानों के विद्रोह है, उन सबको अलग से देखेंगे, 1 घंटे की क्लास में अलग से देख के खत्म कर लेंगे. ठीक है, मॉडरेट इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, चलिए इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं. इसको एक बार दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे. पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 भागों में कैसे पढ़ेंगे. सबसे पहले मॉडरेट फेज, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज. मॉडरेट फेज का मतलब नरमवादी दौर, कब से कब तक, 1885 से 1905 तक. एक्सट्रीमिस्ट फेज हम लोग देखेंगे 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक. और गांधीयन फेज हम लोग देखेंगे 1919 से 1942, मतलब हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तक. ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलिटी में हम लोग ये पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन, ये सब बातें, बेबल का प्लान, ये सब पॉलिटी में हम कवर करेंगे. लेकिन अभी हिस्ट्री में हम यहीं तक देखेंगे, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पीजेंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट.
या फिर जो भारतीय के समाज सुधार आंदोलन थे, फॉर एग्जाम्पल वेदों की ओर लौटो, राजा राम मोहन राय का प्रयास, ये सब बातें हम तब करेंगे। इंपॉर्टेंट वॉइस रहा, इन्हीं के बीच में हम लोग देखे चले जाएंगे जब ये पढ़ रहे होंगे। किस प्रकार पढ़ना है हमको, आज पढ़ना है नरमवादी दौर के बारे में। मैंने आपको बताया कि मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तीन फेजों में पढ़ाऊंगा, तीन दौरों में पढ़ाऊंगा। पहला दौर है नरमवादी दौर, दूसरा है गर्मवादी दौर, तीसरा है गांधीवादी दौर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडरेट फेज की, नरमवादी दौर की। कैसे पढ़ेंगे नरमवादी दौर में हम लोग, देखिए देख लेते हैं। मॉडरेट फेज इसी प्रकार आपको इसी प्रकार लिखना है, नरम आप लिखेंगे हिंदी में नरमवादी दौर। टाइम पीरियड क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ टाइम पीरियड लिखेंगे 1885 से 1905। फिर क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। आप सीधे खींचिए, मेरा टेढ़ा हो गया। यहाँ पे लिखिएगा लीडर, नेता कौन रहे हैं इसके, मॉडरेट फेज के कौन इंपॉर्टेंट लीडर हैं। लीडर के आगे ऐसे हम फिर ऐसे चार बना देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डिमांड, इनकी मांग क्या है, तो इनकी चार डिमांड है, इनको लिखेंगे डिमांड 1 2 3 4। फिर लिखेंगे इनका अचीवमेंट, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है 2। और अंत में लिखेंगे 1885 में ऐसा क्या हुआ, खासकर हम लोग देख रहे होंगे INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। कौन है लीडर, लीडर चार याद रखिए। पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें कहा गया है भारत का पितामह या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर पितामह कहा गया दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। दूसरा नाम याद रखिए GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें कहा गया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। और इसके साथ में इन्हें कहा गया कि इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ईयर क्या था, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी है। किसने करी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि मॉडरेट के नेता हैं। इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तीसरा नाम याद रखिए फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता के बारे में फेमस है कि 1907 के अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ 1907 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत के अधिवेशन के दौरान एक जूता उछलेगा और फिरोज शाह मेहता की कनपट्टी पे लगेगा जाके, और फिरोज शाह मेहता उठ के चिल्लाएंगे विभाजन विभाजन, वहीं से विभाजन हुआ कांग्रेस का। बताएंगे नरमवादी दल और गर्मवादी दल बन जाएंगे, बताएंगे क्या है। और एक नाम याद रखिए दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, ठीक है। लीडर चार याद रखिए, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, इनको कहा गया पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको किसको कहा गया, दादाभाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले का महत्वपूर्ण तथ्य क्या था कि इनको पॉलिटिकल गुरु कहा गया, राजनीतिक गुरु कहा गया महात्मा गांधी का, और इन्होंने 1905 में स्थापना करी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ठीक। फिरोज शाह मेहता के बारे में याद रखिए, 1907 के अधिवेशन में एक जूता पड़ा था इनको उछल के, और इन्होंने कहा था विभाजन करेंगे। कट्टर नेता हैं ये, मॉडरेट के नरमवादी दौर के कट्टर नेता कहलाए। और एक नेता है जिनका नाम है दिनसा वाचा, ठीक है। नेता कई सारे हैं लेकिन हमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देखे थे, इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण चार बता दिए। इनकी डिमांड क्या है, मॉडरेट फेज मतलब मॉडरेट नेता, नरमवादी दौर के नेता हैं लीडर्स, इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड है इंडियंस इन काउंसिल, भारतीयों को परिषदों में जगह, इंडियन इन काउंसिल, सिविल राइट्स टू इंडियन, सिविल राइट भारतीयों को नागरिक अधिकार प्रदान कर दिए जाए, भारतीयों को नागरिक अधिकार प्रदान किए, सिविल राइट्स टू इंडियन। तीसरी डिमांड क्या है, स्वराज विद इन ब्रिटिश, स्वराज को ब्रिटिश के अंतर्गत पाना चाहते हैं। इनकी डिमांड है स्वराज विद इन ब्रिटिश का मतलब स्वराज की प्राप्ति ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर करना चाहते हैं। स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, ऐसा स्वराज चाहिए जो ब्रिटिश के अंतर्गत रहे। और इनकी चौथी डिमांड है नो इकोनॉमिक ड्रेन, इसका मतलब होता है कि इनका कहना है, मॉडरेट फेज के नेताओं का कहना है कि अंग्रेज भारत के पैसे को भारत के विकास में ना लगाकर अपने मिलिट्री का एक्सपेंडिचर साध रहे हैं, इंग्लैंड का विकास कर रहे हैं भारत के पैसे से, वहाँ पर बुलियन लेके जा रहे हैं। तो इन नेताओं का कहना है कि भारत के पैसे को भारत के विकास में लगाइए। तो ऐसा बोला गया कि नो इकोनॉमिक ड्रेन की इन लोगों ने बातें करी, किन लोगों ने, ये जो लीडर्स हैं इन लोगों ने जो मॉडरेट फेज के नेता हैं, खासकर दादा भाई नौरोजी ने नो इकोनॉमिक ड्रेन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करी है विस्तार से। इन्होंने अपने लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर से बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत नो इकोनॉमिक ड्रेन की बात करी है बहुत पुरजोर तरीके से।
ठीक है। साथ में ये तो इनकी डिमांड हो गई, चार क्या डिमांड है, पहला इंडियंस इन काउंसिल परिषदों में भारतीयों को जगह, दूसरी सिविल राइट्स इंडियन भारतीयों को नागरिक अधिकार, तीसरी स्वराज विद इन ब्रिटिश, और चौथी नो इकोनॉमिक ड्रेन। यह चार डिमांड हैं इनकी मॉडरेट फेज की, मतलब नरमवादी दौर की। ठीक है, क्या अचीवमेंट हुई इन मॉडरेट फेज के अंतर्गत, इन नेताओं का अचीवमेंट क्या है, तो इनके अचीवमेंट है दो। पहला तो है नेशनल अवेकनिंग, इन्होंने राष्ट्रीय जागरण कर दिया, देश के अंदर राष्ट्रीय जागरण हो चुका है। और दूसरा है दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने लोकतंत्र के विचारों की प्रसिद्धि कर दी। क्या है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र क्या है, इस विचार की प्रसिद्धि इन्हीं के फेज में हुई है, 1885 से 1905 के बीच में इनकी ये अचीवमेंट है। एक और अचीवमेंट है जिसको आप लिख लीजिए, पीसीएस कभी पूछ सकता है, आईएएस क्वेश्चन है, वो अचीवमेंट है कि इनके बार बार ये कहने पर कि नो इकोनॉमिक ड्रेन, हमारे पैसे को मत सौंपो, हमारे पैसे को मतलब भारत को बर्बाद करो, उधार का पैसा लेकर मत जाओ, तो एक आयोग बैठाया गया, इसे बोला गया वेल्बी कमीशन। वेल्बी आयोग का गठन किया गया है इन लोगों की डिमांड पर। इस वेल्बी आयोग का काम है कि इस नो इकोनॉमिक ड्रेन की बात पर रिपोर्ट सबमिट करे कि आखिर भारत में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मैंने आपसे बोला था चूरन मार देते हैं अंग्रेज बार बार सांत्वना का, कुछ ऐसा काम करके कि हम संतुष्ट हो जाएं, और हम बहुत धैर्यवान लोग हैं, भारतीय बहुत धैर्यवान होते हैं, तुरंत हर बात को मान जाते हैं। तो वेल्बी कमीशन का गठन किया गया, और इस वेल्बी आयोग में दो भारतीय भी हैं, एक हैं गोपाल कृष्ण गोखले और एक हैं दिनचा वाचा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं इसी क्रम में 1885 में क्या हुआ। तो आपको एक डायग्राम और आगे बनाना है, डायग्राम कौन सा बनाना है आपको पहले ही देख लेते हैं, क्या डायग्राम बनाना है आपको, इसको बिगाड़ दिया जाए फिर देखा जाए आगे। ठीक है, वो डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है आपको, फिर एक डायग्राम बनाना है आपको, यही है बस, एक डायग्राम बना ले पहले, पेन मिल जाए फिर बनाए। कैसे देखें, 1885 ऐसे लिखना, 1885, और फिर यहां से खींचनी एक लाइन, ऐसे चलना है, यहां पे लिखेंगे 28 दिसंबर। ठीक, यहां पे लिखेंगे ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसके दिमाग, दिमाग की उपज। यहां पे लिखेंगे प्लेस, स्थान क्या है, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष कौन बने आईएनसी के, यहां पे लिखेंगे वायसराय, उस वक्त वायसराय कौन था। ठीक है, और ये बात क्या कर रहे हैं हम 28 दिसंबर में, तो क्या हुई 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ, तो यहां लिखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। किसका ब्रेन, किसके दिमाग की उपज है आईएनसी, तो यहां नाम लिखिएगा ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ब्रिटिश अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके दिमाग की उपज है ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, प्लेस क्या है, तो प्लेस का नाम है मुंबई, पुणे में सोच लीजिएगा मुंबई। ठीक है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लिख लिया 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड, 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, आगे भी हम देखेंगे डायग्राम में। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहले प्रेसिडेंट का नाम था WC बनर्जी, यह पहले प्रेसिडेंट थे। लोअर UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया, UPPCS के लोअर के 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था आईएनसी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बच्चे मार के आ गए दादा भाई नरोजी, एक ही नाम आता है हमको तो, दादा भाई नरोजी, जबकि आंसर क्या है WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, या फिर उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इन सब घटनाओं के दौरान 1885 में वायसराय कौन था, तो वो डफर आदमी था, इसका नाम था लॉर्ड डफरिन, डफर आदमी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, सारी चीजें याद हो गई, पहला इस डायग्राम में कैसे, पहला 28 दिसंबर को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, दूसरा ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसके दिमाग की उपज है आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ए ओ ह्यूम के, किस स्थान पर से गठन हुआ, तो आंसर है मुंबई में। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया पहले अधिवेशन में, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहला प्रेसिडेंट कौन बना आईएनसी का, तो उनका नाम है WC बनर्जी, और इन घटनाओं के समय वायसराय कौन था, तो नाम है लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस अधिवेशन से अनुपस्थित था, उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं लाइन से आपको बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन लाइन से चले आगे। ये देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ अब तक क्या क्या, कि INC के फॉर्म किया गया दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को, याद कर लीजिए यहाँ पे लिखेगा 28 दिसंबर 1885। ALN ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ठीक है, इंग्लिश मैन थे ये, ब्रिटिशर्स सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, यही मैंने आपको बताया रिटायर हो चुके थे, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कौन सा कॉलेज का नाम है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। जो पहला सेशन हुआ वो हुआ है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, ठीक है। याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इसके साथ याद रखिए कि 72, ये मैं आपको डायग्राम में लिखवा चुका हूँ, 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। INC के बारे में कुछ फेमस बातें भी हैं, वो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मॉडरेट लीडर्स मैं आपको बता दूँ, दादा भाई नौरोजी बता चुका हूँ, AO ह्यूम, MG रेनाडे, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 3-4 नेताओं के आपको नाम याद रखने हैं बस, ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना, ठीक है। INC के बारे में जिस प्रकार से 1857 के रिवॉल्ट के बारे में चर्चाएं हुई थी, इतिहासकारों ने कुछ ना कुछ बोला था, जैसे वीर सावरकर ने बोला था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला संघर्ष, ये 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने नोटिफाई किया था। उसी प्रकार INC के बनने पर कुछ लोगों ने बातें करी, जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा, जो उस वक्त का वायसराय था भारत में, उसने बोला माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है INC के, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए किसने INC को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला, तो आंसर होता है लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, अपने गिरने से पहले लड़खड़ा रही है, और मैं इसको एक शांत मौत, पीसफुल डिवाइस, एक शांतफुल मौत दे दूंगा इसको मैं, तो लॉर्ड कर्जन ने बोला टॉटरिंग टू इट्स फॉल। एक शब्द याद रखिए, बाकी सब याद रहेगा, टॉटरिंग टू इट्स फॉल किसने बोला, लॉर्ड कर्जन ने। किसने बोला 3 दिन का तमाशा है ये INC, तो ये बोला है अश्विनी दत्ता ने बोला, ये 3 दिन का तमाशा है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 दिन का तमाशा बोला गया। किसने बोला इट इज अ बैगिंग इंस्टीट्यूट, यह भीख मांगने वाली संस्था है, तो ये अरविंदो घोष है जिन्होंने बोला बैगिंग इंस्टीट्यूट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरविंदो घोष पहले क्रांति के बहुत खतरनाक नेता थे, लेकिन बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से, क्यों लिया बताएंगे आगे। मैं आपको डिमांड बता चुका हूँ, जितने भी मॉडरेट्स थे उनकी डिमांड क्या थी ये मैंने आपको बता दिया है, उनकी डिमांड्स मैंने आपको सारी बताई है, फिर से बता देता हूँ। देखिए सिविल राइट्स टू इंडियन लिखा हुआ है, इंडियंस इन काउंसिल, भारतीयों को नागरिक अधिकार दीजिए, भारतीयों को परिषदों में जगह दीजिए, स्वराज विदिन ब्रिटिश, और स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, ये सारी बातें जो एक लिखी हुई है ये इकोनॉमिक ड्रेन के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है। यह बात मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही मैंने डायग्राम में इसे लिखवा दिया है, ठीक है, रिविजन कर रहे हैं। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये NCERT की एक मतलब कटिंग है, ये देख लीजिए आप, सब कुछ NCERT से आता है। 72 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, स्थापना 28 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन का हुआ, प्रतिनिधियों का मुंबई में तक एक सम्मेलन हुआ, उसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये लिखा है ना 28 दिसंबर 1885 पहला दिन। किसने की है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके दिमाग की उपज है ये INC, ठीक है। देशभर के छोटे के नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो बहुत ही बड़े बड़े नेता थे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्थान का नाम क्या था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बता चुका ना सब कुछ, बता चुका हूँ मैं सब कुछ, मैंने एक लाइन में लिखवा रखा ये। किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो देखिए काशीनाथ त्र्यंबकतलंग, फिरोज शाह मेहता, है ना, ये दादा भाई नौरोजी, ये गद्दावर नेता जो है, गद्दावर नेता, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है INC के पहले अधिवेशन में। इसमें लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण नेता अनुपस्थित थे, उनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन से अनुपस्थित थे, नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अधिवेशन की फोटो है ये, लाजवाब फोटो NCERT में बनी हुई है। याद रखिएगा कि इस अधिवेशन के पहले सम्मेलन को, जब पहला अधिवेशन हुआ, इसको बोला गया भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा और हमारे देश के भविष्य की संसद का केंद्र कहा गया है इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को, ठीक है, याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट के फॉर्म में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, किसी दिन PCS ऐसे ही चिपका देगा आपको क्वेश्चन कि INC के प्रथम अधिवेशन को भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा और हमारे देश की भविष्य की संसद का केंद्र कहा गया था, सही है गलत, तो स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया इनको, पितामह की संख्या दे दी गई है। और इनके बारे में याद रखिए
यह है इंग्लैंड के अपने निवास काल में इन्होंने भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं तथा वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संगठन भी बनाया। यह 3 बार INC के अध्यक्ष रहे, ठीक है, तथा यह दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने जा चुके थे। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन नरमवादी दल के नेता ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी चुने जा चुके थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सदस्य रह चुके थे, तो आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें पितामह भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इन्होंने अपने लेख जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की है, ड्रेन थ्योरी की बात की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब INC को सेशन की बात कर लेता हूँ। याद रखिएगा, पहला सेशन मैंने आपको बता दिया था कि मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी। दूसरा सेशन मैंने बताया आपको कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। तीसरा सेशन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबजी, एक मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष बना है तीसरे अधिवेशन का। पहला हुआ, आप सोच रहे होंगे कि इनको याद कैसे हो गए, देखिए पहला हुआ बॉम्बे में, दूसरा हुआ BCM, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, ठीक है। मद्रास में कौन बने अध्यक्ष, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी, और बदरुद्दीन तैयबजी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। साथ में याद रखिएगा कि 1800, अच्छा एक और याद रखिए कि जॉर्ज यूल 1888 में अधिवेशन हुआ अलाहाबाद में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, इनका नाम है पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, इनका नाम था जॉर्ज यूल, याद रखिएगा। मैं आपको पहला मुस्लिम बता चुका, मैं आपको पहला अंग्रेज बता चुका, मैं आपको पहली महिला बता देता हूँ, पहली महिला जो INC की अध्यक्ष बनी उनका नाम था एनी बेसेंट, कलकत्ता में 1917 के सेशन में। लेकिन याद रखिएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आंसर आएगा सरोजनी नायडू, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, पहली भारतीय महिला पूछेगा तो आंसर आएगा सरोजनी नायडू, ठीक है, 1925 के सेशन में। लेकिन अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो आंसर आएगा एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता के सेशन में, ठीक। और जॉर्ज यूल का याद रखिए, एक बात और याद रखिएगा, 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ और इस सेशन में राष्ट्रगीत गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया गया। याद रखिएगा उस सेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी, उस सेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण सेशन मैं आपको बताता चला रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए सारे सेशन। क्वेश्चन आता है कभी कभी, बताइए कि सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष बना रहा, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बना, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बना रहा, तो आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। इसके साथ याद रखिए कि वह कौन प्रेसिडेंट था जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान बना रहा था, उसका नाम है JB कृपलानी। और 4 अंग्रेज INC के अध्यक्ष रहे हैं, 4 अंग्रेज INC के अध्यक्ष रहे हैं, एक नाम मैं आपको बता चुका हूँ जॉर्ज यूल, दूसरा नाम है विलियम बेडर बर्न, तीसरा नाम है अल्फ्रेड वेब और चौथा नाम है हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, विलियम बेडर बर्न और जॉर्ज यूल, यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 4 अंग्रेज अध्यक्ष बन चुके हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन अंग्रेज कांग्रेस INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, लिख देगा ए ऑप्शन AO Hume, बी ऑप्शन जॉर्ज यूल, सी ऑप्शन अल्फ्रेड वेब और डी ऑप्शन हेनरी कॉटन। आंसर आपको आपको मिल चुका होगा, आंसर है AO Hume, INC के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यह इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको दिखा चुका हूं, इन सारे सेशंस की मैं बात करूंगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी, इन सारे सेशंस की मैं बात करूंगा अपने, जब मैं इस कोर्स को आगे बढ़ा रहा हूँगा, जब मैं मॉडरेट फेज के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज पे पहुंचूंगा, तो ये सारे सेशन मैं आपको 1906, 1907, 1916 सारे 1905 का सेशन, ये सारे सेशन मैं लाइन से बताऊंगा आपको, कहानी में पिरो के बता दूंगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप 1911 का सेशन है, इसको याद रखिएगा इस सेशन को, ये इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं कहानी में नहीं सुनाऊंगा, वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। 1911 का अधिवेशन है, कलकत्ता में हुआ, बिशन नारायण धर, BN धर की अध्यक्षता में, और यहाँ पर जन गण मन सरला देवी राय चौधरानी के द्वारा गाया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बस।
इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बस, बाकी सब मैं कहानी में फिरूंगा, कोई टेंशन नहीं लेगा, बाकी सब मैं बताऊंगा इसे। याद रखिए क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि वह INC का पहला सेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, या महात्मा गांधी किस सेशन अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष बने, तो याद रखिएगा बेलगांव 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बेलगांव 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी, अकेला सेशन था ये, ऐसा अकेला ओनली सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू बनी भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला है ये जो कि INC के अध्यक्ष बनी, इनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक, इसके बाद रखिएगा नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता 1933 में तीसरी महिला बनी, इनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यह गांधी जी ने कहा है। मैं बताऊंगा ये सब बातें गांधी जी ने क्यों कही, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं कहानी पढ़ा रहा होऊंगा, जब मैं आगे सेशन में बढ़ूंगा, तो मैं ये सारे सेशन लगभग जो इंपॉर्टेंट सेशन है सारे कहानी में पिरो चुका हूँगा, सारे सेशन आपको वहीं बता दूंगा मैं, जो नहीं बताऊंगा वो मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिए कि 1938 और 1939 में INC के दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने जीता था ये सेशन, इसमें सेशन के अध्यक्ष के पद का चुनाव, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है, इस सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही जीती, कुछ मतभेद हुआ वैचारिक, मतलब गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस सेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके उपरांत राजेंद्र प्रसाद इस सेशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, और इसी के उपरांत 1939 के उपरांत इसी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन आता है ये सब सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सब आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, तो आंसर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस INC कितने बार अध्यक्ष रहे, 2 बार अध्यक्ष रहे। कौन से सेशन है, पहला हरिपुरा, दूसरा त्रिपुरी। हरिपुरा कहाँ, गुजरात में, त्रिपुरी कहाँ, MP में। या किस अध्यक्ष सेशन की अध्यक्षता में, किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस, किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के सेशन से, जबलपुर। या फिर सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने के बाद कौन INC का अध्यक्ष बना, तो आंसर आता है राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन आते हैं लाइन से, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए, इनको याद रखिए, जो बता चुका हूँ उसी को याद रखिए, बाकी मैं सब कुछ बताऊँ, सारे करवाऊंगा, कहीं ना कहीं सारे करवा टकरा रहे होंगे कहानी में आपके। अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स मैं ये आपको बता चुका हूँ, ये सारी वेलबी कमीशन में आपको बता दी, ये वेलबी कमीशन लिखी हुई है, देख लीजिए आप। IAS ने क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ हल्का सा, ताकि एक आपको आइडिया रह जाए। यहाँ पे लिखा था ड्रेन थ्योरी पॉपुलराइज्ड बाई दादाभाई नौरोजी, लिखा है पायनियर ऑफ ड्रेन थ्योरी, दत्ता, RC दत्ता, दिनसा वाचा एंड अदर्स। IAS ने क्वेश्चन पूछा था इनमें से किनका संबंध इकोनॉमिक ड्रेन या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन से है, तो आंसर था दादाभाई नौरोजी भी थे, RC दत्ता भी थे, वाचा भी थे। ठीक है, या साथ में मैंने देखिए आपको ये बता दिया आपको कि वेलबी कमीशन बनी थी, क्योंकि वेलबी कमीशन का गठन हुआ है, इसमें तो भारतीय इंडियन भी हैं, इसमें कौन दो भारतीय, दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हमने मॉडरेट फेस कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन मार देते हैं, पहला कुछ रिवीजन मारते हैं ताकि एकदम से याद हो जाए क्या क्या हम लोगों ने। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में पढ़ेंगे, पहला भाग होगा मॉडरेट फेस नरमवादी दौर, दूसरा होगा गर्मवादी दौर, तीसरा भाग होगा गांधीवादी दौर। हम लोगों ने नरमवादी दौर में क्या पढ़ा, सबसे पहले नरमवादी दौर में हमने पढ़ा कि हम पहले पढ़ेंगे लीडर, हमने एक डायग्राम बनाया, उसमें हमने पहले लिखा मॉडरेट फेस 1885 से 1905, उससे पहले हमने पढ़ा लीडर, फिर हमने उसे पढ़ा, सेकंड पॉइंट था डिमांड, तीसरा पॉइंट था अचीवमेंट, चौथा पॉइंट था 1885। लीडर में हमने 4 नाम लिखे, कौन से, पहला नाम लिखा हमने दादाभाई नौरोजी, जिन्हें मैंने बताया आपको कि जिनको पितामा कहा गया और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके थे, दादाभाई नौरोजी के बारे में मैंने ये बात बताई। फिर मैंने आपको बताया दूसरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि यह गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। तीसरा नाम मैंने आपको बताया फिरोज शाह मेहता, और इनके बारे में मैंने आपको बताया कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में एक जूता उछला और फिरोज शाह मेहता को लगा, और फिरोज शाह मेहता चिल्लाए विभाजन और कांग्रेस 2 भागों में टूटेगी, नरम दल और गरम दल में, 1907 के सूरत के अधिवेशन में। ठीक, चौथा मैंने आपको नाम बताया दिनसा वाचा, फिर मैंने आपको बताया डिमांड, जो 4 डिमांड थी मॉडरेट फेस की, कौन सी, पहला इंडियंस इन काउंसिल भारतीयों को परिषदों में जगह, दूसरा सिविल राइट्स फॉर इंडियन भारतीयों को नागरिक अधिकार, तीसरा स्वराज विद इन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति, और चौथा नो इकोनॉमिक ड्रेन, भारत से पैसा को मत लेके जाओ। ये 4 डिमांड थी इनकी। इनके अचीवमेंट क्या है, इनके अचीवमेंट है 3। पहला अचीवमेंट मैंने आपको बताया
नेशनल अवेकनिंग राष्ट्रीय जागरण, दूसरा मैंने आपको बताया दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने लोकतंत्र के विचारों का प्रसिद्धिकरण कर दिया, और तीसरा मैंने आपको बताया इनका अचीवमेंट है वेलबी आयोग का गठन जो कि इकोनॉमिक ड्रेन को देखने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और इस वेलबी आयोग में दो भारतीय थे कौन, दिनशा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर मैंने आपको बताया एक डायग्राम 1885, जैसे मैंने आपको दिखाया 1885 के साथ मैंने आपको डायग्राम में बोला कि आप क्या डायग्राम बना लीजिए, सबसे पहले लिखिए 28 दिसंबर 1885 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। ये कहाँ पर किसके ब्रेन चाइल्ड, किसके दिमाग की उपस्थिति, ये INC, ये दिमाग की उपस्थिति किसके, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो चुके थे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि किस स्थान पर हुआ, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ ये, ठीक। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहले अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस पूरी घटना के दौरान कौन वायसराय था भारत का, उसका नाम था लॉर्ड डफर, डफर आदमी थे, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और मैंने आपको बताया कि इस पूरे सेशन में सिर्फ 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको फिर वो सब डायग्राम में दिखा दिया, सारी चीजें बता दी। यह मॉडरेट फेज यहां पर खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। अब हम आगे से पढ़ना शुरू करेंगे 1905 के बाद की कहानी का, मतलब बंगाल का विभाजन हम लोग जानेंगे। एक चीज़ और, सेफ्टी वॉल्व की थोड़ी सुन लीजिए। थोड़ी सी लोग कहेंगे सर सेफ्टी वॉल्व नहीं पता, मज़ा नहीं आया। सेफ्टी वॉल्व क्या है, देखिए चूरन देने वाली संस्था, ऐसा बोला गया कि अंग्रेज चाहते हैं, ये इतिहासकारों का है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार कुछ अलग अलग मतभेद हैं इतिहासकारों के बातों में। एक जो तबका है इतिहासकारों का वो बोलता है कि INC को बनाया गया था सेफ्टी वॉल्व के रूप में, का मतलब अगर मैं कहूँ एक कुकर है, उस कुकर को अगर आप गैस के ऊपर रख दोगे और उसके अंदर अगर पानी वानी कुछ है तो वो उबलेगा, उबलेगा तो अगर आपने सीटी नहीं उठाई तो कुकर फट जाएगा, लेकिन अगर आपने सीटी उठा दी तो वह एनर्जी जो कुकर के अंदर बनी है वो रिलीज हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये INC वो सीटी है जिसको जैसे ही भारतीयों को गुस्सा आएगा कि हम आज अंग्रेजों को फोड़ डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये भारतीय पहुंचेंगे एक ऐसी संस्था के पास जिस पर ये विश्वास करते हैं, वह संस्था होगी INC, और यह INC की संस्था पहुंचेगी ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स देंगे इनको सांत्वना का चूर्ण कि हाँ देखो भैया तुमने जो अपना गुस्सा बताया हम उसको सॉल्व करेंगे, ये चूर्ण बांट दिया जाएगा इनको। इस प्रकार यह INC ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, यह कुछ इतिहासकारों का मत है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, INC को सेफ्टी वॉल्व के रूप में नहीं बनाया गया था। लेकिन आपको यह जानना होगा कि 1885 से लेकर 1904 तक यह संस्था वास्तविकता में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से कर रही थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही थी, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे या इनके जो मेंबर्स थे इस INC के दौरान जो ये मेंबर थे मॉडरेट के, जो नेता थे नरमवादी दौर के, वो नेता कह रहे थे स्वराज चाहिए लेकिन ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर, मतलब पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की बातें इन लोगों ने नहीं करी। ये पैम्पलेट बांट रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, लेकिन विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। बाद में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1905 के बाद यही संस्था बवाल हो जाएगी, मतलब सेफ्टी वॉल्व नहीं बवाल बन जाएगी भारत में। बवाल किसके लिए, अंग्रेजों के लिए बवाल बनेगी, और बाद में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे अंग्रेज, और 1907 में इसको तोड़ भी देंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी अगले हम जो फेज हम लोग करेंगे, जो अगला मेरा चैप्टर मैं शुरुआत करूँगा एक्सट्रीमिस्ट फेज गर्मवादी दौर, उसमें मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा 1905 से स्टार्ट करूंगा, और 1905 से स्टार्ट करके मैं सब चीज़ स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, हर चीज़ आपको होम रूल मूवमेंट, गांधी जी का आगमन तक, गांधी जी के आगमन तक मैं आपको कल 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी उसमें कहानी सुना दूंगा। आज जो मैंने पढ़ाया उसको घर पे नोट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज करिए, क्वेश्चन में आंसर हम लोग परसों के सेशन में आएंगे तो क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लेट्स क्रैक प्री एग्जाम को, बेल आइकन पर प्रेस करिए, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। साथ ही कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा जब भी मौका मिले, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो मैं आपको सारे आंसर दूंगा। आप मेरा कोड PDUS का प्रयोग कर सकते हैं, इस PDUS के कोड करने से आपको सब्सक्रिप्शन की फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अगर आप चैनल पर लेट्स टेक एग्जाम के अंतर्गत कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको PDUS का कोड यूज़ करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।